बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइज, एडसेंस जो पिन आपको बेचती है, और जब आपको पिन नहीं मिलता तो आपके पास एक अल्टरनेट मेथड होता है अपने एडसेंस पिन को वेरीफाई करने का। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया है कि अगर आपको एडसेंस का पिन 3 दफ़ा नहीं मिलता तो उसके बाद आप अपने आपको CNIC नंबर या आधार कार्ड से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। उस वीडियो को जो मैंने बनाया है, तो उस वीडियो को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। उसमें देखिए, यहाँ पे एड को स्किप करते हैं यहाँ से, तो इसमें मैंने आपको कोई देखिए 10.25 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने बड़े डिटेल में आपको बता दिया था क्या क्या करना है। उसके बावजूद मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जिसमें एक कांस्टेंट प्रॉब्लम जो सबको आ रही है वो ये है कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपको पिन नहीं मिलता 3 दफ़ा, उसके बाद आप यहाँ पे आपको देख जैसे यहाँ पे देखिए, इसने पूछा है मुझसे, तो आपको एक फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। आप उस फॉर्म को क्लिक करेंगे, आपके 3-4 इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें आप अपने CNIC, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई बिल जो आपके नाम पे है वो अपलोड करेंगे, तो एडसेंस आपको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगी। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जैसे ही दिस फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो पे जो मैंने दिखाया था वहाँ पे नहीं जाते, बल्कि वो एडसेंस की हेल्प में जाते हैं। तो आज को इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कि आप कैसे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और मैनुअली कैसे पिन के लिए अपने साइट को रेडी कर सकते हैं। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे हैं टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। अब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसको फॉलो करके आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, आप कंटेंट सेक्शन में मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से कवर किया हुआ है। आप यहाँ के आके अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। और ये है कि आप यहाँ पे इसको मज़ीद, इसमें मैंने इमेजेस के फॉर्म में और वीडियोज़ के फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, तो यहाँ पर आके अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एनी हाउ, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको वो मसला बताने जा रहा हूँ, जब आप दिस फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो बजाय इस पेज के जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि इस पेज पे कि आप यहाँ पे अपना CNIC वगैरह अपलोड करें, वो अपलोड होने के बजाय बिल्कुल वो एक नया पेज खुलता है जो कि एडसेंस के हेल्प की तरफ आपको ले जाता है। तो वो आपको मैं बता दूंगा आपने क्या करना है। तो जैसे ही आप दिस फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने इस पे एक स्पेशल सेक्शन भी बनाया हुआ है कि व्हाट टू डू इफ़ दिस फॉर्म पेज इज ओपन इन एडसेंस हेल्प सेंटर। यानी कि आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने वो लिंक भी दिया हुआ है, तो ये पेज आपके सामने आ जाती है, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद 3-4 स्टेप्स आते हैं आपके पास। और ये जो मैंने आर्टिकल बताया हुआ है, इसमें जो भी मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा उनके सारे लिंक्स वगैरह इस आर्टिकल में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आके आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे, उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जैसे दिस फॉर्म वाले लिंक यहाँ पे आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये ध्यान में रखना है आपने कि जो एडसेंस अकाउंट है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको आपने अपने जीमेल आईडी से लिंक किया हुआ है, उसी आईडी से आप इस पेज पे आएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टेक उर्दू से लॉग इन हूँ, इस पे तो मेरा एडसेंस ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट उठाता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज। तो अब देखिए, मैं अपने इस आईडी से लॉग इन हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, यहाँ पे हम कम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इसलिए ये आपको कहता है कि इस स्टेप को, यानी कि ये जो स्टेप्स हैं इनको पूरा करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपने एडसेंस में और अपने एडसेंस अकाउंट से लॉग इन होंगे, यानी कि जिस अकाउंट से आपका एडसेंस है उसी से आप लॉग इन होंगे, उसके बाद आप ये नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। अब ये इसका मकसद ये होता है कि ये इसको बोलते हैं ट्रबल शूटर, यानी कि ये आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चंस के बाद आप उसको आंसर देंगे, आंसर के बाद वो डिटेक्ट करती है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको मसला क्या हो रहा है। अब आपके अगर प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। जब आप इसके आएंगे कॉन्टेंट्स में तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम किस नौीयत का हो सकता है, बड़े डिटेल में मैंने चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल अगर आप समझते हैं कि आपने सब कुछ सही किया हुआ है तो आप यहाँ पे आएंगे, आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि आर यूर अर्निंग्स ग्रेटर देन द वेरीफिकेशन थ्रेशोल्ड। अब आपको बताया कि वेरीफिकेशन थ्रेशोल्ड है $10। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। एक आपको पता है कि यूट्यूब स्टूडियो एक ऐप है जो कि मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें आप देखते हैं कि आपकी अर्निंग $10 से क्रॉस हो गई है, तो आप फौरन से ये समझते हो कि आपकी अर्निंग $10 से क्रॉस हो चुके हैं। नहीं, वो नहीं। $10 का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जब आप एडसेंस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3-4 रीडिंग्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 डेज सो फार है, ये यस्टरडे का, ये लास्ट 7 डेज का, ये दिस मंथ का है। आपको जो $10 नज़र आने चाहिए वो बैलेंस में नज़र आना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको $10 नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। और यही जब ये बैलेंस $100 से ऊपर होगा, जैसे लास्ट मंथ इस
पर्टिकुलर जो एडसेंस अकाउंट है इसका बैलेंस था $146, तो वो फिर $146 आपके थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर चुके थे तब आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन पिन के लिए आपको जो थ्रेशोल्ड चाहिए वो है $10 और वो ये बैलेंस होना चाहिए। अगर ये 10 से कम था इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले तो आप ये चीज़ देखेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने $10 को क्रॉस किया हुआ है या $10 के इक्वालेंट यानी कि पाकिस्तान में अगर $10 फर्ज करें 150 रुपये का है तो आपके वहाँ पे 150 रुपये के हिसाब से बनने चाहिए, वैसे अगर डॉलर में छोड़ा है तो डॉलर में ठीक है। तो आप पहले ये वेरीफाई करेंगे अपने आईडी में लॉगिन होने के बाद। अभी मैं फॉर एग्जांपल इस केस में समझता हूँ कि ये जो पिन वेरिफिकेशन है इसके लिए ये जो आईडी है मेरी इसमें मैं ये कहता हूँ कि मैंने $10 क्रॉस किया है, हालांकि इसके केस में नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ येस और मैं ये समझता हूँ कि आपके केस में भी येस होगा। देखिए ये बता रहे हैं आपको कि द वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर इज लेबल्ड बैलेंस, बैलेंस में जाके आपने देखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हैव यू रिसीव्ड योर पिन। अब जाहिर है कि हम पिन के लिए ही ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि नो, हमें पिन हमारी नहीं मिली है। ठीक है, आप अपने आंसर को यहाँ पे दोबारा से चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैव यू ऑलरेडी रिक्वेस्टेड 3 रिप्लेसमेंट पिन्स। जब आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बड़े डिटेल में आपको बताया कि पहला पिन आपको मिलेगा, उसके बाद दूसरा पिन, फिर तीसरा पिन, तीसरे पिन के देने के बाद आपको कम अज़ कम 4 वीक्स वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप दिस फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बाज़ लोग पहले करते हैं, बाज़ लोग वेट नहीं करते, कम अज़ कम 4 वीक, ज़्यादा भी हो सकता है। सो एनी हाउ अगर आपको जब यहाँ पे 3 दफ़ा आपने रिक्वेस्ट की है और वो जो टाइम आपने वेट करना था वो आप वेट कर चुके हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पिन नहीं मिली तो ये कहता है कि हैव यू ऑलरेडी रिक्वेस्टेड 3 रिप्लेसमेंट पिन्स। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ येस, मैंने 3 दफ़ा रिक्वेस्ट की है। अब चूंकि मुझे इस पर्टिकुलर केस में पता है कि मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं है तो आप देखेंगे कि वो मुझे यही कहेगा कि आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ येस। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे येस किया तो मुझे इसने एक लंबा छोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये मुझे जो बता रहे हैं यहाँ से आप देखें, इट लुक्स लाइक योर अकाउंट हैजंट रीच द पिन वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड येट। आपने ये इस एरिया में देखना है जो भी आपको प्रॉब्लम है, ये आपको ऊपर वैसे ही किस्सा बता रहे जो टाइम है जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो यहाँ पे उसके बावजूद अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन यहाँ पे वो चीज़ आप देखेंगे, उसके बाद आप दोबारा से ट्राई करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और ये कुछ और इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं, टिप्स भी दे रहे हैं आपको कि आपके अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्निंग्स $9 है बैलेंस में तो जब तक ये $10 नहीं हुए है बैलेंस में उस टाइम तक आपके लिए जो थ्रेशोल्ड वो क्रॉस नहीं हुआ है आपको उस टाइम तक पिन नहीं मिल सकती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये सारे चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करने के बाद पहले तो आप वो वीडियो देखें, उसमें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए उनको फॉलो करें, अगर उसमें भी आपको नाकामी होती है तो आप ये करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। मज़ीद ये है कि अगर आपको पिन के बारे में मज़ीद रीड करना है, पिन क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, नया पिन कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो एड्रेस पे आपके अगर पिन नहीं पहुंच रहा उसके क्या रीजंस है, तो वो मैंने इस आर्टिकल में बड़े डिटेल में बता दिया है, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। एक और अगर मैं केस आपको बता दूँ, इस केस में जो पिन है मुझे पहले से मिला हुआ है, मैं अपने एक ऐसे आईडी से कनेक्ट करता हूँ जिस पे मुझे पिन मिला हुआ है, मैं टेस्ट करने के लिए, इसमें थ्रेशोल्ड मेरा कम्प्लीट है और सब कुछ कम्प्लीट है, मैं टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड मेरा गुजर चुका है तो मैं यस करता हूँ उसको। यहाँ पर रिसीव्ड योर पिन, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ नो और ऑलरेडी रिक्वेस्टेड 3 पिन, यहाँ से मैं इसको करता हूँ येस, तो देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। अब इस केस में ये कह रहा है, देखो हालांकि ये पहले से इसका पिन मिला हुआ है लेकिन टेस्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए वो थ्रेशोल्ड वाला किस्सा नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपको जो लास्ट पिन गुजर चुकी है उसके बाद आपको 4 वीक्स का कम अज़ कम टाइम मिलेगा। ठीक है, ये देखिए कहता है यू मे सेंड अस कॉपी ऑफ योर ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और डोमेस्टिक बिल ओनली इफ़ यू हैव रिक्वेस्टेड योर मैक्सिमम ऑफ 4 पिन्स। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा पिन जब आपने रिक्वेस्ट किया एंड हैवंट रिसीव्ड एनी ऑफ देम विद इन 4 वीक ऑफ योर लास्ट पिन, तब जब आप वहाँ पे जो दिस फॉर्म वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तब आपका वो ऑप्शन काम करेगी। अगर आपके इतना टाइम नहीं गुजर चुका है तो उस टाइम तक आपका काम नहीं करेंगे। आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपने सिर्फ वेट करना है। और एक गलती कभी नहीं करनी है कि पिन का जो खाना है वहाँ पे अपने से आपने ट्राई नहीं करना है कि भाई ये पिन है, ये पिन है, ये पिन है, इस तरह नहीं करना है आपने।
इससे आपका 3 दफ़ा गलत करने से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इस वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, दैट्स वाइज मैंने इस वीडियो को बना दिया। हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में लोगों को समझाने की कोशिश की है, फेसबुक पेज पर भी मुझे काफ़ी लोगों ने पिक्चर्स के फॉर्म में अपने प्रॉब्लम को शेयर किया। मैंने कहा चलो दैट्स वाई इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। सो दिस इज नेम जावेद मोहम्मद हसनी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।